Good morning to all the students of class 5. In this video, I am going to teach you the second chapter of your English literature book, that is A Book. The name of the poem is A Book. सो स्टूडेंट्स, क्लास 5 के इंग्लिश लिटरेचर का सेकेंड चैप्टर एक पोएम है जिसका नाम है अ बुक। देखिए, ये पोएम लिखा हुआ है एडिलेड लव ने। इस पोएम को लिखा है एडिलेड लव ने। ये पोएम कहता है, अ बुक आई थिंक इज वेरी लाइक अ लिटिल गोल्डन डोर दैट टेक्स मी टू प्लेसेस वेयर आई हैव नेवर बीन बिफोर। इट लीड्स मी इनटू फेरी लैंड और कंट्रीज स्ट्रेंज एंड फार, एंड बेस्ट ऑफ ऑल द गोल्डन डोर ऑलवेज स्टैंड्स अजार। इसमें कहा गया है, अ बुक आई थिंक इज वेरी लाइक, इसका मतलब है एक बुक जिसे हम लोग रोज देखते हैं वो बिल्कुल कैसा है, एक लिटिल गोल्डन डोर की तरह, एक स्वर्णिम दरवाजे की तरह, जो मुझे ऐसे जगहों पे ले जाता है जहां मैं पहले कभी नहीं गया। That takes me to places where I have never been before, जो मुझे ऐसे जगहों पे ले जाता है जहां मैंने पहले कभी नहीं गया। It leads me into fairyland, मुझे परियों के देश में ले जाता है, एक इमेजिनरी जगह पे ले जाता है, और कंट्रीज स्ट्रेंज एंड फार, या फिर ऐसे कंट्रियों में ले जाता है, ऐसे देशों में ले जाता है जो बहुत ही अजीब हैं, जो बहुत ही दूर हैं हमसे, और जिसे अभी मैं गया भी नहीं हूँ उसे भी मैं देख पाता हूँ। एंड बेस्ट ऑफ ऑल द गोल्डन डोर ऑलवेज स्टैंड्स अजार, और ये जो गोल्डन डोर है, ये जो सुनहरा दरवाज़ा है, ये हमेशा एक ऐसा डोर है जो हमेशा खुला रहता है, जिससे हम अलग अलग देश, अलग अलग जगहों के बारे में जान सकते हैं और बहुत सारा नॉलेज गेन कर सकते हैं। इस पोएम को हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। अ बुक आई थिंक इज वेरी लाइक अ लिटिल गोल्डन डोर दैट टेक्स मी टू प्लेसेस वेयर आई हैव नेवर बीन बिफोर। इट लीड्स मी इनटू फेरी लैंड और कंट्रीज स्ट्रेंज एंड फार, एंड बेस्ट ऑफ ऑल द गोल्डन डोर ऑलवेज स्टैंड्स अजार। द पोएम इज रिटन बाय एडिलेड लव, और ये स्टोरी और ये पोएम अब एंड होता है। इसमें कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, जैसे फेरी लैंड, एन इमेजिनरी प्लेस विथ वंडरफुल पीपल एंड थिंग्स, एक ऐसा जगह जिसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं और चीज रहते हैं। अजार, अ डोर और अ विंडो दैट इज स्लाइटली ओपन। अजार मतलब एक ऐसा दरवाज़ा या खिड़की जो थोड़ा सा खुला हुआ रहता है, जैसे यहाँ पे अजार वर्ड का यूज़ किया गया है। बुक को भी एक गोल्डन डोर की तरह दिखाया है जो हमेशा खुला रहता है, जिससे आप दुनिया को देख सकते हैं और भी ब्रॉड तरीके से। इस पोएम को आप लोग कॉपी में लिखिएगा और इसके हार्ड वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग्स को भी कॉपी में लिखिएगा। ये आपका होमवर्क है। एंड देयर योर पोएम एंड्स। थैंक यू।